हम कोरोना की बात कर रहे हैं और उसकी वजह से जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका तस्करा भी हो रहा है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो मेरे आपके जहन के सामने से जाता ही नहीं है, तो फिर उस पर बात तो करनी बनती है ना। कोरोना वायरस है तो क्या हुआ, बच्चों का साल ज़ाया नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो घर पर ही ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए पढ़ाना शुरू किया गया। स्कूल इंतज़ामिया ने तालीमी साल को बचाना था, इसीलिए तो ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन दिया और फिर ये क्लासेस बाकायदा शुरू कर दी गई। लेकिन अब इस सारे के सारे प्रोसीजर में, सारे के सारे अमल के दौरान वालिदैन और असातिज़ा घन चक्कर बन के रह गए, बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। जहां एक तरफ ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर टीचर्स और स्टूडेंट्स दिन भर मसरूफ रहते हैं, और उसमें वो छोड़ दीजिए आप इंटरनेट का लगना कटना, वो छोड़ दें, दीगर इशूज बहुत सारे, ऐसे में जो वालिदैन और टीचर्स हैं ना, इन पर एक तरफ देखा जाए तो जहनी बोझ भी बढ़ रहा है और अखराजात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और ज़ाहिर किरण में लास्ट वीक भी इस टॉपिक को उठाया था कि कितने मसाइल हैं इस वक्त कोरोना के बाद। ज़ाहिर है स्कूल्स बंद हैं, तालीमी इदारे बंद हैं और हम स्विच करने की कोशिश करें ऑनलाइन की तरफ, लेकिन ज़ाहिर है उसमें मसाइल भी हैं और एक इजाफी बोझ भी है, और ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं बिकॉज बड़ा एक्सटेंसिव ये टॉपिक है। तो हमने सोचा कि आज हफ्ते का पहला दिन है, हम इस टॉपिक को ज़रा और एक्सटेंसिव करते हैं। इस हवाले से जो पेरेंट्स की कंसर्न है दोबारा आपके सामने रखेंगे और क्या कर सकती है हमारी एसोसिएशन यानी स्कूल्स एसोसिएशन, जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन होती है, इनका किरदार क्या हो सकता है, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। हमें एक पेरेंट ने भी ज्वाइन किया एंड वी हैव चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तारिक शाह साहब। तारिक साहब आपका भी शुक्रिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं बिलाल साहब से बात करूँ। आप वालिद हैं और एक वालिद का कंसर्न क्या है इस वक्त, उस पर मैं चाह रहा था आपसे गुफ्तगू करूँ। बिलाल साहब जब हम ऑनलाइन की तरफ स्विच कर रहे हैं, थोड़ा सा प्लीज़ नाज़रीन को बताइएगा कि जब हम इंटरनेट फैसिलिटी भी हमने प्रोवाइड करनी है बच्चों को, हमने लैपटॉप की फैसिलिटी भी देनी है या फॉर दैट मैटर मोबाइल या टैबलेट देना है, ये जो इजाफी बर्डन है आप पर, जाहिर है स्कूल तो सपोर्ट नहीं कर रहा, हमने खुद ही करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पहले खर्च कितना था और अब खर्च किस कदर बढ़ गया। चले बिलाल साहब से हमारा भी रابطہ मुनक़ता है तो उनसे ये जो मैं स्टैट्स हैं आसानी के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ। अब आपको इंटरनेट भी चाहिए, अब आपको लैपटॉप भी चाहिए, अब आपको पेपर्स भी चाहिए, पेजेस चाहिए बच्चों के लिए, असाइनमेंट्स के लिए जो छोटी छोटी सी आप चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करते थे वो तो है ही, लेकिन उस सब के साथ में ये वाला खर्चा भी है और ये सब कुछ पेरेंट्स को देखना पड़ रहा है। दूसरा पहलू है जी टीचर्स का, तो तारिक शाह साहब हमारे साथ हैं, पहले आप हम आपसे बात कर लेते हैं। सर ये जहनी तौर पर कितनी उलझने पेरेंट्स की या टीचर्स की बढ़ रही हैं, ये तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन अखराजात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आप लोगों के इल्म में है, आप लोगों का ऑब्जर्वेशन है ऐसा? आवाज कट गई आपकी बहुत। अल्लाह, वो बच्चे पढ़ रहे होते ना तब भी यही हो रहा होता है और टीचर कहते हैं मैं एक सबक को कई बार पढ़ा के खुद भूल जाता हूँ। करूं क्या फिर से राबता, फिर कोशिश करें क्या? हम कोशिश करते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स, वील ट्राई कि तारिक शाह साहब से हम इस बारे में ज़रूर पूछें। अच्छा देखिए, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि बच्चे को ब्रेकफास्ट करा के, यूनिफॉर्म पढ़ा के पहना के और फिर बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाएं ताकि बच्चा बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ में जाए, जो वो सिखाना चाह रहे हैं आप उसको या जो वो सीखना चाह रहा है वो सब कुछ वो करता जाए आसानी से, और फिर उसके बाद में टीचर कितनी मेहनत कर रहा है, क्या इस बात को भी अंडरस्टैंड किया जा रहा है या नहीं, ये बहुत संजीदा मौजूदात है शोएब, बहुत संजीदा मौजूदात है। इस पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे जब तक बहाल हो जाए। इस दौरान तो राबिता बहाल हो जाए तो बात कर लेनी चाहिए, बात भी इतनी अहम हो तो। तारिक शाह साहब हमारे साथ है, चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, वेलकम करते हैं आपको। अब आवाज आ रही है जनाब? भाई मेरी तरफ से गड़बड़ नहीं है कोई ये आप ही के अतराफ में कुछ है। मैं तो बात करना चाह रही थी कि पेरेंट्स का कंसर्न जो है ना, उनका खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, तो ये बताइए कि इस सिचुएशन को हम पूरा पूरा ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाएं, वो बच्चों के लिए भी है, वो पेरेंट्स के लिए भी है, वो टीचर्स के लिए भी है, लेकिन बीच में बहुत सारे हर्डल्स हैं। सर आपके इल्म में है वो सारी की सारी मुश्किल? जी बिल्कुल, देखें बिल्कुल ये हुई हैं क्योंकि देखें ऑब्वियसली कन्वेंशनल मेथड से हम हमेशा पढ़ते आए हैं एंड स्विचिंग टूवर्ड्स इन ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडीज तो एकदम से वो भी ग्रेजुअली भी नहीं आया, तो इशूज तो आएंगे, लेकिन इस पर काम हमें ये करना है कि हमें इशूज को काउंटर करना है और उसको सॉल्व करना है। सही, तारिक साहब मुझे ये बताइएगा इस वक्त बर्डन जो है वो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा पेरेंट्स पर है और फिर टीचर्स पर भी बर्डन है। ज़ाहिर है आपने खुद भी जिक्र किया हम स्विच कर रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल मोड टूवर्ड्स दिस ऑनलाइन सिस्टम,
और ऐसे में सर मुझे एक बुनियादी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। ज़ाहिर है स्कूल का रोल होता है टू फैसिलिटेट द थिंग्स, और अगर ऐसे में टीचर के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, लैपटॉप नहीं है और वो खुद खरीद रहे, सर ये तो गलत है, वो खुद खर्च क्यों कर रहा है, तो स्कूल को फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन दो चीज़ें हैं इसके अंदर, जो इमीडिएट बेसिस पर जो है जब ये एकदम शिफ्ट हुए तो उस वक्त तो ऑब्वियसली स्कूल को प्रोवाइड करने में टाइम लग रहा था, लॉकडाउन था, उस वक्त कोई गैजेट्स खरीदे नहीं जा सकते थे, तो अगर स्टाफ के पास कोई गैजेट्स अवेलेबल थे तो वो स्कूल ने एज अ रिसोर्स जो है ना वो यूज करना स्टार्ट किया। लेकिन अब जैसे मामला चेंज हुए हैं, लॉकडाउन एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चला गया है और उसके बाद अब चीजें खुलना भी शुरू हो गई हैं, तो अब इस वक्त जो है मैं ये रिकमेंड करूंगा कि स्कूल को ये इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर्स को प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि देखें इन दी एंड स्कूल का ही मैटर है, क्योंकि स्कूल के बच्चों को ही पढ़ाना है, तो टीचर्स को फैसिलिटेट। और सर ये जो रिकमेंडेशन है आपकी, जाहिर है इसमें एक अहम रोल एसोसिएशन का होता है, आप लोग पाबंद नहीं बना सकते तमाम स्कूल्स को कि आप नहीं फैसिलिटेट करना है, आपने टीचर्स को ये तमाम गैजेट्स देने हैं। देखिए लास्ट वीक की बात है, हमने ये परमिशन पहले नहीं थी, लेकिन अब हमने परमिशन गवर्नमेंट से ऑन रिकॉर्ड ले ली है कि अब जितनी भी क्लासेस होंगी या जो भी मामलात होंगे वो टीचर स्कूल टाइमिंग में स्कूल की प्रीमिसेस में आके कंडक्ट करेगा, तो उससे ये है कि ऑब्वियसली इसकी परमिशन मिल गई है सर आपको, बंद होगी। जी जी, अब टीचर्स स्कूल में जाकर क्लासेस लेंगे? यस, टीचर्स स्कूल में आकर यहाँ के जो कंप्यूटर्स, यहाँ के इंटरनेट, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए बच्चों को घर पे पढ़ाएंगे। अच्छा देखिए, ये ठीक है, ये तो आपने क्लियर किया, क्योंकि इससे पहले इसके इस मामले में क्लियरिटी थी नहीं। अब मुझे जरा एक बात क्विकली ये भी बता दीजिएगा, टीचर को एक ज़हनी सुकून भी चाहिए, क्योंकि उसके जो एक ग्रुप बनाया हुआ है अपने बच्चों को, 25 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे एक साथ नहीं पढ़ रहे, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो पढ़ रहे, टीचर को ज़हनी सुकून मिलना चाहिए, उसकी सैलरीज में उतना कट नहीं लगना चाहिए, ये भी इंश्योर कीजिए। दूसरे ये कि बच्चा असाइनमेंट नहीं बनाता, मम्मी बनाती है, मम्मी थक जाती है, बाबा बनाते हैं, क्योंकि बच्चा घर में पढ़ रहा है। अब बताइए इसको कैसे केटर करेंगे, फीस में कंसेशन नहीं है, वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, फिर उसमें ये सारा कुछ, बताइए स्कूल का अच्छा टाइम है पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है? अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें फी में 20% रिडक्शन जो है वो हमने अप्रैल से देनी स्टार्ट कर दी थी मेजोरिटी स्कूल्स ने, कुछ स्कूल से जो कोर्ट में चले गए थे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास वो लीगली राइट नहीं था कि वो फी रिडक्शन के लिए स्कूल वालों को पाबंद बनाए, लेकिन मेजॉरिटी स्कूल्स ने उसको ऑब्लाइज किया और वो डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो जो कोर्ट का मैटर था, उसके बाद एक ऑर्डिनेंस भी गवर्नमेंट ने निकाल दिया कि 20% फी रिडक्शन करनी है, तो स्कूल्स तो मिनिमम 20% रिडक्शन अब कर ही रहे हैं, और अगर कोई स्कूल समझता है या उसके पास ज्यादा मार्जिन है कि वो ज्यादा डिस्काउंट दे सकता है तो वो भी स्कूल्स अब देना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल भी हैं जिन्होंने मुझसे कहा है कि हम 30% डिस्काउंट देंगे, क्योंकि बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, उनको इंटरनेट की फैसिलिटी अगर नहीं है तो अच्छा इंटरनेट वो उसी पैसों में जो हमने कम किए हैं वो घर पे यूज कर लें अच्छा इंटरनेट। तो देखिए ये चेंजेस आएंगी ग्रेजुअली, लेकिन स्कूल को भी ये मैटर पे ट्रांसफर होने में टाइम लगा, लेकिन अब जितने भी अगर खुदा ना खास्ता ये पेंडेमिक ज्यादा लंबा चलता है तो हमें ऑनलाइन पे ही चलना पड़ेगा, उस चलने पे ऊपर हमें ये करना होगा कि पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव या इजी मोड ऑफ लेक्चर या असाइनमेंट देने पड़ेंगे। ये तो देखिए ना, कोरोना जब तक चल रहा है आप खुद भी कह रहे हैं कि मामलात को उसी तरह से चलाना पड़ेगा जैसे अभी मैकेनिज्म है, कम से कम इसी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एक काम जो आप मेजॉरिटी कह रहे हैं, मैं इसको मेजॉरिटी नहीं कहती, फैक्ट्स ऐसे नहीं है तारिक शाह साहब, बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स ने टीचर्स को इसकी बात सवाल तो सुन ले तारिक शाह साहब, सवाल सुन ले, सवाल सुन ले। मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं कि जिन्होंने बड़े आराम से टीचर्स को 30% या 20% उनका सैलरी कट किया, बड़े आराम से उन्होंने टीचर्स को घर भेजा है, ये सब कुछ किया है, और ये इस सिचुएशन में किया है कि जब उनको सूबाई हुकूमत की तरफ से सहूलत मिली है। और मैं किन स्कूल्स की बात कर रही हूँ भला, ये वो जो गली मोहल्ले वाले स्कूल्स हैं ना, सिर्फ यही नहीं है, इसमें वो स्कूल्स भी हैं कि जहाँ पर फीस ली जाती है भारी, जहाँ बच्चे को उसका पेरेंट बड़े आराम से जितनी चीज़ों का आप तकाजा करें ना वो दिला देता है, ब्रांडेड स्कूल्स, उनकी बात कर रही हूँ मैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि 3 मंथ से ज्यादा अभी पेंडेमिक हो चुका है और फी कलेक्शन, देखें ये पूरी साइकिल है,
कि अगर पेरेंट परेशान है तो स्कूल में फी नहीं आएगी, फी नहीं आएगी तो आगे जितने लोगों को हमें पे ऑफ, ये परेशानी पहले दिन से स्कूल्स को आ गई थी उनके पास में, ये सारी सिचुएशन पहले ही बन गई थी। 3 मंथ तक मैं आपको बताऊं, 3 मंथ्स तक जो है वो सैलरीज मेजोरिटी स्कूल ने दी है, लेकिन 4th मंथ से देखें कोई भी किसी के पास कानून के खजाने नहीं है कि वो पे ऑफ करता रहे। अगर पे ऑफ पे कट की है तो उसको आगे जाके अगर फी रिकवर होगी तो वो टीचर्स को दी जाएगी। तो ये वक्ती तौर पे कटिंग है क्योंकि हमें कलेक्शन नहीं मिल रहा। जब चीजें रिइम्बर्स होंगी पेरेंट की तरफ से तो ऑब्वियसली टीचर्स को भी रिइम्बर्स किया जाएगा। सर मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर ये आप जो बात कर रहे हैं कि जो 20% कट लगा, जो 30% कट लगा, वो 4th मंथ से लगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो कट लगा है और ए लेवल्स के टीचर्स को घर भेजा गया है, हालांकि उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता है, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म है जहां वो शिकायत दर्ज करा सके या वहां पर भी उन्हें यही जस्टिफिकेशन मिलेगी जो आप इस शो में दे रहे हैं कि हम मजबूर हैं? देखिए, जो आप जिस स्कूल के मैटर को हाईलाइट कर रहे हैं वो बेसिकली एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे टीचर्स होते हैं। अब जब स्कूल आगे पढ़ ही नहीं रहा है और आगे पढ़ा ही नहीं रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली उन्होंने रिन्यू नहीं किया। सेकंड चीज, जहां तक आपने की शिकायत की, तो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में प्रॉपर सेल बनाया गया है जिसमें कंप्लेंट्स नोट की जा रही है और फिर उन्हीं स्कूल से वो डायरेक्टरेट जो है वो डायरेक्टली बात करता है, और अगर कोई बातचीत नहीं तय आती या कोई कांटेक्ट में नहीं आता तो फिर एक्शन भी लिया जाता। ठीक सर, एक और बात, अभी आपने कहा कि एक साइकिल है, फीस आएगी तो सैलरीज दी जाएंगी, लेकिन उसमें सर स्कूल ने ये किया कि जाहिर है तालीमी साल खत्म हो रहा था, उन्होंने कहा कि जो फीस जमा कराएगा तमाम चालान हमें सबमिट करेंगे या जो चालान के फॉर्म में नहीं जो कैश लेते हैं, जब तक आप फीस नहीं देंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। दैट मींस कि उनको फिर फीस कलेक्शन तो उनकी कंप्लीट हुई है, बहाना नहीं बनाया जा सकता कि फी कलेक्शन नहीं हुई। मैं देखें ये आपसे यही कहूंगा कि जो जो स्कूल्स को आप कोट करें दे आर हार्डली 3-5% इस पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन वो स्कूल्स भी मौजूद हैं जिन्होंने 3 मंथ्स की एरियर पे बच्चों को आगे कंटिन्यू करवाया। कंसीडरिंग द फैक्ट कि आज पेंडेमिक अभी भी मौजूद है, जॉब्स में कट, उनकी सैलरीज भी कट हो रही है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस भी उनका जो है ना वो मुतासर हुआ है। अच्छा सर, आप मुझे बताइएगा ये जो 20-30% एक डिमांड है ज़ाहिर है पेरेंट्स की और बड़ी जस्टिफाइड डिमांड है कि जो पहले उनकी फीस में लिखा जाता था कि ये एसी क्योंकि आपके बच्चों को लगा कर दिया जा रहा है, जिसका जवाब आपके पास होगा वो 2-3% स्कूल्स कर रहे हैं, ये जो जनरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड एग्जैक्टली, तो बहुत से सिचुएशंस को कोट करके पैसे लिए जाते थे पर मंथ पेरेंट्स से, अब ज़ाहिर है वो खर्च नहीं हो रहा स्कूल्स का, ये पास ऑन होगा पेरेंट्स को, फी रिडक्शन होगी या नहीं होगी? नहीं देखिए, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन जब ये रिसोर्सेज यूज नहीं हो रही हैं, जो जो स्कूल कट कर सकता है ऑब्वियसली वो करेगा और उसका एडवांटेज पेरेंट्स को जाना चाहिए, जाना चाहिए लेकिन जा नहीं रहा। 20% जो फी रिडक्शन की बात की गई है वो इन्हीं कॉस्ट को मद्देनजर इस मंथ जो स्कूल ने फी चार्ज किया 20% उसमें रिड्यूस किया था। बिल्कुल किया, मेजॉरिटी स्कूल्स ने किया। सर यस मेजॉरिटी स्कूल्स ने किया। अगर किसी ने नहीं किया तो शिकायत कहां दर्ज कराई जाए? मैंने आपको बताया डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जो सर कोई नंबर शेयर कर सकते हैं वेबसाइट, अगर आप यहां पर ऑन एयर कोट कर दें। असल में उन्होंने पीटीसीएल नंबर्स दिए, वैसे डायरेक्टरेट की वेबसाइट है dirprivateschools.gos.pk, यहां पर शिकायत दर्ज कराएंगे तो रिलीफ मिलेगा। और इनके पीटीसीएल नंबर्स भी हैं जहां पे शिकायत आप कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, वक्त के खत्म हो गया, लेकिन एक बात और, आपने कहा कि आप टीचर्स स्कूल में आके बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी स्कूल में आएंगे और वहाँ की फैसिलिटीज को यूज़ करते हुए इंटरनेट सिस्टम को यूज़ करते हुए पढ़ाएंगे, तो गवर्नमेंट से ये बात नहीं कि आप एसओपी पर को फॉलो कराएंगे, बच्चों को स्कूल आने दें और डिस्टेंस से बिठाएंगे और यहीं पर पढ़ाएंगे, ऐसी बात की गवर्नमेंट से आपने? जी बिल्कुल, देखिए हमने तो बेशक प्लेटफॉर्म्स पे यही कहा है, लेकिन देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। अब कोरोना वायरस जितनी तेजी से फैल रहा है इस वक्त हम ये मुतालबा करना भी नहीं चाहेंगे और ना बुलाना चाहेंगे बच्चों को। टीचर्स को बुला सकते हैं लेकिन बच्चों को नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है सर, बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, और आपने कहा कि 20-30% फी रिड्यूस होनी चाहिए क्योंकि जाहिर है अखराजात स्कूल से कम हुए हैं, और अगर स्कूल ऐसा नहीं कर रहे तो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।